वीडियो की टाइटल देखकर आप समझ ही गए होगे कि आज मैं किस विषय में बात करने वाला हूँ। मिथुन राशि वालों, हजारों सालों में एक बार जो होता है वह अद्भुत वाक्या होने जा रहा है, जिसके कारण सुख समृद्धि प्यार मोहब्बत जातीय सुख और ऐश्वर्य संभव है। वैसे शुक्र ग्रह लोगों को भोग विलास और जीवन में कमी नहीं रहने देने वाले 17 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे है। जी हाँ, शुक्र ग्रह 13 मार्च 2021 तक कुंभ राशि में विराजमान थे, वह अब मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे है। यह वीडियो इसीलिए महत्वपूर्ण बनने जा रहा है क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह है, वही शुक्र ग्रह देवियों के गुरु है। यह दोनों जब आपस में मिलते हैं तो प्रेम को लेकर बड़ा चमत्कार होता है। इसके साथ ही बुध और शुक्र दोनों ग्रहों का संयोग मिथुन राशि के जातक के ऊपर ऐसा असर करने जा रहा है जो ये लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, और इसीलिए ही यह सब जानना मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही खास हो जाएगा। साथ में इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी से भी अवगत कराने वाला हूँ जिसे जानकर आप अति प्रसन्न होंगे, यहाँ तक कि आप खुद पे यकीन नहीं कर पाएंगे। मिथुन राशि वालों, ग्रह मंडल में सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे तेजस्वी ग्रह शुक्र ही है। शुक्र ग्रह न केवल सत्ता लाभ पद प्रतिष्ठा पैसे का कारक माना गया है, किंतु शुक्र विवाह प्रेम एवं जातीय संबंधों के लिए काफी जिम्मेदार भी माना जा रहा है। वह अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचकर धरातल पर रोशनी भी फैलाता है, इसलिए शुक्र ग्रह इन दिनों में कन्या राशि पर प्रेम जीवन शारीरिक सुख और प्रणय संबंध में बहुत ही प्रभाव डालने वाला है। जब शुक्रदेव मीन राशि में सुबह 2:01 पर जैसे ही प्रवेश कर जाएंगे वहीं से आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। वैसे तो अन्य राशि के प्रेम जीवन में बदलाव, विवाह टूटना, प्रेम में बाधा, साथी से अलगाव की स्थिति, पार्टनर का छोड़ के जाना, यहाँ तक प्यार में बड़ा धोखा मिलना, यह सब स्थितियाँ बनती नजर आएगी। निश्चित तौर पर इस दौरान विभिन्न राशियों पर इस परिवर्तन का अलग अलग असर देखने को मिलेगा, किंतु आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि पर इसका प्रेम जातीय सुख वैवाहिक संबंध में शुभ फल मिलने जा रहा है। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि से दशम स्थान पर शुक्र का गोचर होने जा रहा है, जिसके कारण काफी समय से चली आ रही पारिवारिक समस्या, प्रेम में नाराजगी, लव प्रॉब्लम, यहाँ तक छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार की स्थिति चल रही थी, तो वह परिस्थितियाँ अब अपना रुख बदलने वाली है। यकीनन तनावपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी वह प्रेम भाव में जरूर तब्दील हो जाएगी। शुक्र और बुध की शुभदृष्टि से प्रेम युग का निर्माण होने जा रहा है, जिसके कारण घर, ऑफिस या कार्य क्षेत्र के आसपास प्रेम संबंध बनने के जबरदस्त अवसरों का निर्माण होगा। दूर प्रदेश से भी प्रेम प्रस्ताव मिलेंगे। प्रेम की चाहना रखने वाले जातक आप लेकर ले लीजिए कि एक नया दौर भी शुरू होने जा रहा है। इतना ही नहीं, शुक्र महाराज प्रेम के साथ आपकी राशि में धन प्राप्ति के योग भी बना रहे है। 14 मार्च के बाद उनका भी शुभारम्भ होने जा रहा है। हाँ, प्रेम युगल जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर 11 अप्रैल का समय प्रेम करने के लिहाज से बहुत ही अनुकूल और जबरदस्त होने जा रहा है। इस समय में न केवल आपका प्यार परवान चढ़ेगा, लेकिन जो अपने प्रेम को शादी तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रेम के रिश्ते को शादी में तब्दील करना चाहते हैं, वह भी कामयाब रहेंगे। प्रेम विवाह का जबरदस्त योग निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी देगा। यहाँ तक आप अपने माता पिता एवं मौलनीय लोगों को राजी करने में भी कामयाब रह सकते हैं। तो वहीं बुध महाराज की शुभ दृष्टि से आपके अंदर इस समय में एक अलग ही उत्साह आएगा, आप में गजब का आकर्षण भी उत्पन्न हो सकता है। इसके चलते सहकर्मचारी भी आपसे बेहद ही इम्प्रेस हो सकते हैं। आपको किसी ऑफिस कलीग या फिर किसी खास दोस्त की ओर से भी प्रेम संबंध का प्रस्ताव भी आ सकता है। यहाँ तक इस समय में आपकी एक प्यारी सी दोस्ती रिश्ते में भी तब्दील हो सकती है। शुक्र का यह परिवर्तन मिथुन राशि वालों के पुराने रिश्ते को पूरी तरह से शुरू कर सकता है। यदि आप कोई अपना छोड़कर गया था तो वह फिर से आपकी जिंदगी में आ सकता है। यहाँ तक अगर आप कोई पुरानी गलती कबूल करना चाहते हो तो इस समय आपका साथी गहराई से आपको समझकर आपकी प्रेम भावनाओं की अवश्य ही कद्र कर सकता है। रिश्ते सुधरेंगे, पुनः आपकी लव लाइफ पहले के मापे शुरू भी हो सकती है। मिथुन राशि वालों, इस समय में शुक्र ग्रह न केवल प्रेम का सुख देगा, किंतु आपको भोग विलास संबंधित सामग्री से भी सुख प्रदान करने वाला है। महंगे तोहफे प्राप्त होंगे, लग्जरियस लाइफ, यहाँ तक चकाचौंध की जिंदगी जीने में भी कामयाब रहने वाले है। साथी के साथ छोटी दूरी एवं लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। निश्चित ही यह समय में आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के सागर में गहराई में गोते लगा पाएंगे।
मिथुन राशि से दशम स्थान में शुक्र का गोचर, जो पहले से ही प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जबरदस्त म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। दोस्तों, अगर आप अभी भी सच्चे प्रेम के इंतजार में हैं, सिंगल हैं और अपने लिए एक अच्छे साथी प्रेमी की तलाश में जुटे हुए हैं, तो मान के चलिए अब यह इच्छा पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि शुक्र इस समय आपको सिंगल नहीं रहने देने वाला। निश्चित तौर पर आपके जीवन में एक प्रियतम की जबरदस्त एंट्री होने जा रही है। किसी अजनबी से मुलाकात होगी, फिर दूसरी, इस तरह कई मुलाकातों का दौर शुरू हो जाएगा। यह बात सिर्फ मुलाकात तक सीमित नहीं होगी, भविष्य में अच्छे रिश्ते में तब्दील भी हो सकती है। साथ में दोस्तों, एक और जानकारी से भी अवगत करा देता हूँ, इस समय में मिथुन राशि के जीवन में विवाह का जबरदस्त योग बन रहा है, जो आपके लिए भाग्योदय का कारण बन सकता है। यह योग आपके नौकरी व बिजनेस में उन्नति के लिए रास्ते खोल देगा, क्योंकि शादी के बाद आपका भाग्योदय होने जा रहा है।